हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई वीक सिक्स खत्म हो चुका है, वीक सेवन की स्टार्टिंग हो चुकी है और भाई अभी भी बंदे बहुत कम है, बहुत कम जो अंदर सोलह से भी खेल रहे हैं और स्टिल उनको होप है उनका लॉबी लगेगी। बट भाई 3 दिन से एक भी लॉबी लग नहीं रही। तो भाई अभी फिलहाल बिल्कुल भी लॉबी नहीं लग रही। तो भाई कल की वीडियो कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आप एक कोई ग्रुप बनाओ जिनमें सभी सोलह से भी बंदे भरो और वहां पे एक साथ लॉबी लगाओ। तो भाई देखो पहली बात मैं ग्रुप बना दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई वहाँ पे सोलह से बंदे भरना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ ग्रुप बना सकता हूँ और वहाँ पे जितने भी बंदे सोलह से में इसकी रैंक पुश कर रहे हैं उनको बुलाना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों भाई देखो अगर आप ए स्टाइल पे हो तो थोड़ी सी उम्मीद है आपकी रैंक पुश हो जाएगी, कॉन्कर हो जाएगा, थोड़ी सी उम्मीद है, डिपेंड्स कितने पॉइंट चाहिए आपको कॉन्कर के लिए। बट भाई अगर आप क्रॉन पे हो तो उम्मीद मत रखो, उम्मीद मत ही रखो भाई। तो भाई बात करते हैं ए स्टाइल पे हो आप और आपको कौन का चाहिए तो आपको क्या करना है। पहली बात आपके फ्रेंड लिस्ट के जितने भी बंदे सोलो एफपीवी खेलते हैं, सोलो एफपीवी में क्रॉन टाइप पे या एस टाइप पे या कौन का टाइप पे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट हो गई, व्हाट्सएप लिस्ट हो गई या इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पे भी जितने भी बंदे हो सके उन सभी बंदों को ये वीडियो पहुंचाओ और उन सभी बंदों से बोलो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, एक छोटी सी हेल्प चाहिए, आपको इस ग्रुप में आना है, ज्वाइन करना है और यहाँ पे एक गिवन टाइमिंग होगी जिस टाइमिंग पे आप सभी बंदों को सोलो एफपी मैच स्टार्ट करना है। नॉर्मल एंगल नहीं, इवेंट वाला एंगल करना है, सोलो एफपी बीजीएमआई में। मैं कुछ क्लियर डेफिनेशन दे देता हूँ कहाँ पे करना है। तो भाई जब आप एक साथ करोगे तो काफ़ी चांसेस है भाई, जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा इजी पीजी आपके चांसेस होंगे लॉबी मिलने के। और कितने बंदे चाहिए, मिनिमम 50 से 70 बंदे मान के चलो भाई। और अब बात करते हैं आपको करना क्या है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में एक पिन लिंक होगा, उसको आपको खोलना है, वो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाओगे एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर कुछ टाइमिंग लिखी होगी जहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है सोलो एफपी मैच। आज फिलहाल कोई भी मैच स्टार्ट नहीं करना, कल ही करना है। और भाई पहली बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं सोलो एफपी में कॉन्कर हो चुका है, वैसे सोलो एफपी में कॉन्कर नहीं हुआ, मैंने काफ़ी पेट पुश आईडी की है पर सोलो टीपी में स्टार्टिंग में कॉन्कर कर लिया था। और भाई फिलहाल कोई भी पेट पुश आईडी है नहीं मेरे पास, मतलब भाई इसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जो भी करना है इसमें आपको ही करना है और मैं सिर्फ यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको टेलीग्राम का, जिससे भाई आप सभी बंदों को सोलह फ्री के मैचिंग मिल सकती है। बट भाई उस प्लेटफॉर्म में बंदे भरने आपकी जिम्मेदारी है, आपको सभी बंदों को ये वीडियो शेयर करनी है और उन सभी बंदों से बोलना भाई आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ पे गिवन टाइमिंग पे आपको स्टार्ट कर देना मैच। इससे भाई काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपकी लॉबी मिलेगी क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना ज़्यादा आपको ही हेल्प होगी लॉबी मिलने में। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, इसमें मैं प्रॉफिट कुछ भी नहीं है तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो भाई एक मैं सही बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। सीजन 16 में मैं बैन हो गया था और बैन होने के बाद वीक 4 में बैन हुआ था और वीक 5 में दोबारा मैंने रैंक पुश स्टार्ट की थी और वहाँ पे मैंने वीक 5 से 6 7 मतलब वीक 7 तक मैंने कॉन्कर किया था वापस। बट भाई ऐसा सीन हो गया था, अपडेट आ गया था समय शायद कोई और वहाँ पे एक भी लॉबी लग रही थी भाई, कॉन्कर हो गया बट मेरा वहाँ पे लॉबी लग नहीं रही। तो भाई वहाँ पे मेरे को फ्रेम कैसे मिलेगा, 5 मैच खेलने पड़ते हैं फ्रेम के लिए। तो भाई सीजन 16 एक ऐसा सीजन है जहाँ पे मेरे पास कॉन्कर का टाइटल है बट कॉन्कर की फेम नहीं है। तो इस सीजन भी ऐसा कम से कम 3 से 4 बंदों के साथ हो रहा है जो मैं जानता हूँ जिन बंदों को। बट भाई इतने कितने सारे बंदे होंगे जिनका भाई कॉन्कर नहीं हुआ, कुछ ही पॉइंट से बचे कॉन्कर के लिए और उनकी फेम नहीं हुई, मतलब बहुत सारे बंदे होंगे। तो उन्हीं बंदों की ऐसा समझ लो मैं हेल्प कर रहा हूँ जिससे भाई उनको इस सीजन के एंड में लॉबी मिल जाए और मैचिंग मिल जाए जिससे भाई उनका कॉन्कर हो जाए या एटलीस्ट फ्रेम तो मिल ही जाए भाई, क्योंकि भाई पहला कॉन्कर बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और इस पहले कॉन्कर में अगर आपको फ्रेम नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं अब अपनी वीडियो बाइंड अप पढ़ता हूँ और दोबारा बोलता हूँ मैंने क्या बोला था इसमें। कुछ नहीं करना भाई, आपको एक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, उसको खोलना है और वहाँ पर ज्वाइन करना है और जितने बंदे हो सके सोलह एफपीपी के आपके इन गेम फ्रेंड हो गए जो क्रॉन एस या कॉन्कर टाइप पे हों, व्हाट्सएप ग्रुप वाले बंदे हो गए, व्हाट्सएप में जितने भी बंदे हो गए जो सोलो से भी खेलते हैं और क्रॉन एस या कॉन्कर टाइप पे हैं और इंस्टाग्राम पे जितने भी बंदे हो गए उन सभी बंदों को ये वीडियो शेयर करनी है, उन बंदों को से बोलना भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर ज्वाइन कर लो और जैसे इस ग्रुप में लिखा गया है जितने टाइमिंग में स्टार्ट करना है उसी टाइम पर आपको स्टार्ट कर देना है और जितने ज़्यादा बंदे हो सके भाई उतना ही अच्छा है, जितने बंदे बुला सको आप उतना ही अच्छा है क्योंकि भाई यहाँ पर अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा चांसेस होगा लॉबी मिलेगा। तो भाई अभी फिलहाल मैं कल का मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा आपको कितने बजे ज्वाइन करना है और कितने बजे स्टार्ट कर देना है। एक और बात भाई, यहाँ पे हर एक बंदा सोचेगा, हर एक बंदा लिटरली खुद मैं भी सोचता मैं यहाँ पे क्यों करूँ भाई, यहाँ पे मैं कॉन्कर हो चुका है या मैं रैंक पुश छोड़ दिया है, मैं वापस यहाँ पे ट्राई क्यों मारूँ भाई, मैं यहाँ पे क्या फ़ायदा है, सभी बंदे यही सोचेंगे भाई। बट इतना याद रख लेना भाई अगर तुम किसी के काम आओगे, मतलब कुछ बंदे यहाँ पे जरूरत है उनको लॉबी मिलने में, वो बंदे भाई मैं अपने यहाँ पे अगर
इंस्टाग्राम का इनबॉक्स दिखाऊँ, कितने सारे मैसेज भरे पड़े हैं सिर्फ इसी वजह से, मैचिंग नहीं मिल रही भाई, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो। भाई देखो, ये मेरे बस की अकेली बात नहीं है, यहाँ पे मैचिंग ना मिलना या मिलना मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे भाई ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा बंदे खेलेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होती है लॉबी मिलने की, तो भाई यहाँ पे हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मतलब समझ लो एज अ इंसानियत फर्ज बनता है कि भाई देखो तुम्हारा कौन कौन हो चुका है, तुम्हें लीडर बोर्ड में कोई रैंकिंग मेंटेन नहीं करनी, और मेंटेन करके क्या पाल लोगे भाई अगर यहाँ पे किसी बंदे का कौन कौन नहीं हुआ या कुछ ही मैच चाहिए उसको फ्रेम कलेक्ट करने के लिए, तो फिर भाई तुम हल्की सी हेल्प कर दो, उस बंदे का मैचिंग लगाने में हेल्प कर दो, और कुछ नहीं करना बस वहाँ पर जाओ। और एक और बात बता दे रहा हूँ भाई, उस लॉबी में अगर बाई चांस लॉबी लग जाएगी, मैं भाई पहले एक चीज़ बोल दे रहा हूँ कि भाई आपको अपना 100% देना है, हर एक बंदा, लिटरली हर एक बंदा जिसका भाई कॉन्कर हो चुका है वो भी, जो कॉन्कर पुश कर रहा है वो भी, और जिसने भाई छोड़ दिया वो भी, क्राउन एस और कॉन्कर यही मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप क्राउन पे हो या एस पे हो कॉन्कर पे हो, तो भाई हर एक बंदे को अपना 100% देना है, ट्राई करना है कि भाई इसकी लॉबी लग जाए, और लॉबी लगने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट खेलना है, मतलब भाई एकदम हार्ड लॉबी बनानी है। मैं चाहता हूँ वो गेम प्ले में जब मैं देखूँ या डालूँ या कुछ भी करूँ, वहाँ पे कम से कम 40 बंदे अलाइव होने चाहिए, और सबसे मेन बात मेरे पास कोई आईडी नहीं है भाई जो क्रॉन या एस या कॉन्वेयर पे हो, तो भाई अगर मेरे को कोई वैसे देखा जाएगी आईडी की, तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई नहीं है जो क्रॉन एस कॉन्कर पे है, मेरी खुद की आईडी डायमंड पर पड़ी है, बट सोलो टीपी में कॉन्कर हो रखा है, ये अलग बात है। तो भाई इसमें आपको ही करना है जो करना है, आप जितने बंदे बुला सकते हो अपनी फ्रेंड लिस्ट के, इंस्टाग्राम लिस्ट के, या डिस्कॉर्ड के, कहीं के भी बंदे जो भाई 16 FPS में क्रॉन एस कॉन्कर पे हूँ, उन सबको बुलाओ और एक साथ में लॉबी लगाओ, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को एक काम करना था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था, वो मैंने कर दिया है। अब इस वीडियो को देखो और भाई सभी बंदों को शेयर कर दो जो भाई 16 FPS में क्रॉन एस और कॉन्कर टायर पे हो, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपकी लॉबी लग जाए और आपको कॉन्कर जल्दी से हो जाए, अगर कॉन्कर हो रखा है तो भाई आपको कॉन्कर की फ्रेम जल्दी मिल जाए। ओके थैंक यू ब्रो।